अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पाकिस्तान अफेयर्स लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान अफेयर 2023 का पेपर। फर्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, प्रिज्मेटिक लीडरशिप ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिना। यहाँ पे हमने कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की जो 1937 से लेकर 1947 तक की जो एक लीडरशिप रही, उनकी जो कैरिज्मेटिक लीडरशिप रही, उनकी जो एबिलिटी रही, उन्होंने जो अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ जिस तरीके से अफेक्ट किया और मुस्लिम्स को लीड किया, तो ये तमाम चीजें उनकी लीडरशिप को यहाँ पे हमने डिस्कस करना है सिंस 1937 से लेकर 1947 तक की। ठीक है जी, फर्स्ट यहाँ पे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की जो कैरिज्मेटिक लीडरशिप है, उनके जो क्राइसिस आइडेंटिफिकेट थी 1937 से 1947 तक, काफी पिवोटल रही पाकिस्तान की फॉर्मेशन के लिए। एक अहम रोल प्ले किया इनकी पर्सनैलिटी ने, इनका जो एक लीडरशिप थी उसने। अब इनकी जो एबिलिटी थी एक्चुअली में उसने इंस्पायर किया, मोबिलाइज किया जो इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी थी, कम्युनिटी को उन्हें एक लीडरशिप चाहिए थी और वो लीडरशिप एक बेटर लीडरशिप, एक कैरिज्मेटिक लीडरशिप रिक्वायर्ड थी, जो कि कायदे आजम की सूरत में, कायदे आजम की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, अनवेवरिंग कन्विक्शन और स्ट्रेटेजिक फोरसाइट की सूरत में उन्हें मिली। अब उनका सबसे पहले हम देखेंगे विजन और मिशन कायदे आजम का क्या था। तो जिना वॉज एक्चुअली आर्टिकुलेटेड अ क्लियर विजन फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया। उन्होंने एक बहुत क्लियर विजन रखा इंडियन मुस्लिम्स के सामने और एम्फसाइज किया कि एक सेपरेट नेशन के लिए उनके राइट्स और आइडेंटिटी को सेफ रखने के लिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी और डिग्निटी को सलामत रखने के लिए उनका मिशन जो है वो एक्चुअली में रेजोनेट हुआ डीपली विद द कम्युनिटी, स्पेशली एज द फेस इंक्रीजिंग मार्जिनलाइजेशन। काफी ज्यादा डीपली इस चीज का इम्पैक्ट रहा जब जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उन्हें मार्जिनलाइजेशन को फेस करना पड़ा, उन्हें इन तमाम सिनेरियोज को फेस करना पड़ा मार्जिनलाइजेशन के, डेप्रिवेशन के। तो ये चीजें इस उनकी जो विजन और मिशन था उसके ऊपर जो इंडियन मुस्लिम्स थे उन्होंने उन्हें फॉलो किया, उनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए, उनकी जो लीडरशिप को देखते हुए, बिकॉज ही वॉज एक्चुअली पॉइंटिंग आउट टू वर्ड द करेक्ट सिनेरियो एंड द राइट थिंग्स। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की क्या रही। जिना पॉलिटिकल एक्यूमेंट वाज एविडेंट इन हिज एबिलिटी टू नेगोशिएट एंड नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स के जितने भी जो पॉलिटिकल एक्यूमेंट थे वो बहुत ज्यादा इनके इंडियन पॉलिटिक्स की जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी, जिस किस्म के उन्होंने तनाव का शिकार किया मुसलमानों को, इंडियन मुस्लिम्स को, तो कायदे आजम के जो पॉलिटिकल एक्यूमेंट थे, जो पॉलिटिकल नजरियात थे वो एविडेंट थे और उनकी एबिलिटी को जो है वो ये बहुत अच्छे तरीके से वो निगोशिएट कर रहे थे, नेविगेट कर रहे थे कि इंडियन पॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है और किस तरीके से ये मुस्लिम्स को आगे इन फ्यूचर भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो मुस्लिम्स की जो नीड है सेपरेट नेशन की वो कितनी ज्यादा जरूरी है, इस चीज को जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के साथ सॉर्ट आउट किया इस मैटर को। उन्होंने जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी उसको मार्जिनल पार्टी के में जो है वो एक से जो है वो एक फॉर्मिडेबल मेडिबल पॉलिटिकल फोर्स, यानी कि एक इफेक्टिव, एक ऐसी फोर्स जो वाकई में अपना असर रखती थी, उसमें चेंज किया एक मार्जिनल पार्टी से जिसको कोई खास इंपॉर्टेंस जिसकी नहीं थी। उसके बाद उन्होंने जो पाकिस्तान की डिमांड थी उसको लीड किया, जो डिफरेंट डिसीजिव स्ट्रेटेजी थी उनके जरिए से, और इस तरह से रेजोल्यूशन 1940 की जो है वो पास हुई। कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर बात करें तो उनकी जो पावरफुल ऑरेटरी और कम्युनिकेशन स्किल्स थी, ठीक है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया सपोर्ट को मुस्लिम्स की, उनकी जो अफेक्टिव और जो स्पीचेस थी, जो जानदार स्पीचेस थी, जो वाकई अफेक्टिव थी, जो पब्लिक एड्रेसेस थे जो उन्होंने अपने डिफरेंट इवेंट्स में किए, तो इन्होंने जो उनके आर्टिकुलेट किया मुस्लिम्स के एस्पिरेशंस को और उनके अंदर जो एक होप थी, जो यूनिटी थी, तो उसको दोबारा से उनके अंदर से उनके अंदर बेदार किया। क्राइसिस मैनेजमेंट की अगर बात करें तो कायदे आजम जो डिकेड था वो कम्युनल टेंशन बहुत ज्यादा थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। कायदे मोहम्मद अली जिना की जो लीडरशिप थी उन्होंने इन तमाम चैलेंजेस को अडेप्ट किया, उन्होंने निगोशिएशन को जो है वो एम्फसाइज किया कॉन्फ्रंटेशन के ऊपर, उन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया अपना कम्युनल रिवॉर्ड्स के ऊपर, जो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सिचुएशन को संभाला और मुस्लिम राइट्स को जो है वो उसके बावजूद उन्होंने जो है वो एडवोकेट किया और क्राइसिस को जो वो बहुत बेहतर तरीके से, शायद कोई और इस तरीके से मैनेज ना कर पाता, लेकिन कायदे आजम ने जो है वो तमाम क्राइसिस को बहुत अच्छे से मैनेज किया, मुस्लिम्स की जो राइट्स है उन्हें एडुकेट किया।
पर्सनल सेक्रीफाइसेस की बात की जाए तो पर्सनल सेक्रीफाइसेस कायदे मोहम्मद अलजना ने बहुत किया अपनी फैमिली को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर, अपने फैमिली रिलेशंस को लेकर, और इनकी जो कमिटमेंट थी उस कॉज के साथ मुस्लिम नेशन एक बनाने की, वो इनकी कमिटमेंट शो कर रही थी जिस तरीके से उन्होंने अपने पर्सनल सेक्रीफाइसेस दिए. उनकी जो डेडिकेशन थी वो उनके काफी सारे जो फॉलो थी उन्हें इंस्पायर किया, और उसके नतीजे में क्या हुआ कि उनका जो जो स्टेटस था वो एक कैरिज्मेटिक लीडर के तौर पर सामने आया, जो वाकई में अपने मकसद के लिए, अपने काम के मकसद के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड था. तो कायदे आज़म मोहम्मद अलजना की जो कैरिज्मेटिक लीडरशिप रही वो उसमें उनका विजन, उनकी स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल मैनेवर्स, उनके एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल्स, उनके पर्सनल सेक्रीफाइसेस, ये तमाम चीजें जो एक्चुअली में इंस्ट्रूमेंटल रही मुस्लिम कम्युनिटी को मोबिलाइज करने में, उनको यूनाइट करने में, और अल्टीमेटली इस चीज ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में एक बहुत अहम रोल जो है वो प्ले किया. क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव इज कॉजेस ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लाइन इन पाकिस्तान. पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है उसके डिक्लाइन की मेन वजह या उसके कॉजेस जो है वो क्या है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. पाकिस्तान का जो इरिगेशन सिस्टम है वो ग्लोबली बहुत बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बहुत ज्यादा डिक्लाइन का, बहुत ज्यादा तनाजुली का शिकार हो रहा है. इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, फूड इंपोर्ट्स वगैरह जो है उसकी क्या जरूरत पड़ रही है कि हमें बाहर से मंगवाना पड़ रहा है, ये तमाम जो फैक्टर्स इसके डाउन टर्न या डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं. फर्स्ट हुआ वाटर मैनेजमेंट इश्यूज. वाटर मैनेजमेंट इश्यूज पाकिस्तान जो है वो एक्सटेंसिव इरिगेटिंग सिस्टम है पाकिस्तान का, लेकिन मिसमैनेजमेंट जो हो रही है वाटर रिसोर्सेज की, ये मिसमैनेजमेंट जो एक्चुअली में इनएफिशिएंसीज की तरफ लीड कर रही है. इसके साथ साथ जो ओवर एक्सट्रैक्शन है पॉपुलेशन की बॉडीज के ऊपर, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, एक प्रेशर आ रहा है, वाटर रिसोर्सेज कम है, लेकिन इसके ऊपर जो पॉपुलेशन और पॉल्यूशन एक्सट्रैक्शन है वो तमाम चीजें ज्यादा आ रही हैं, तो ये एक्सेसिबेट कर रही है सिचुएशन को और अफेक्ट कर रही है क्रॉप्स यूज को. आउटडेटेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, आउटडेटेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किस तरीके से अफेक्ट कर रही है जो बहुत से फार्मर्स हैं, ठीक है जी, वो ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक्स को ही यूज कर रहे हैं और अपना जो एक प्रोडक्टिविटी है उसको, इनकी प्रोडक्टिविटी जो है ये ट्रेडिशनल वेज ऑप्टिमाइज कर रहे हैं. अब जो मॉडर्न मशीनरी है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, रिसर्च कंट्रीब्यूट्स वगैरह है उसके, अगर विद टाइम विद टेक्नोलॉजी अगर नहीं यूज करेंगे तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन है उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा लो हो जाएगी, और ये लो एफिशिएंसी भी एक्चुअली में किस वजह से है कि आउटडेटेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज हो रही हैं. मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज होने से उनमें जो क्रॉप यील्ड है वो इंक्रीज होगी. डिफरेंट स्ट्रेटेजीज क्योंकि मॉडर्न टाइम है तो कुछ प्रॉब्लम्स भी मॉडर्न किस्म के, उनके सॉल्यूशन भी मॉडर्न ही रिक्वायर है, मॉडर्न मशीनरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिक्वायर है. मॉडर्न मशीनरी टेक्नोलॉजी एक्चुअली में जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें बहुत अहम रोल प्ले कर सकती है, लेकिन उनकी कमी होने की वजह से एक्चुअली में यह उसकी एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा डिग्रेड या लो कर देती है. लैंड डिग्रेडेशन की अगर हम बात करें तो सॉइल फर्टिलिटी एक्चुअली डिक्लाइन ड्यू टू ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स. सॉइल फर्टिलिटी जो है डिफरेंट केमिकल्स बेतहाशा यूज होने की वजह से, पेस्टिसाइड स्प्रेस यूज की वजह से बहुत ज्यादा सॉइल फर्टिलिटी जो भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया, ये लो हो गया. ये डिग्रेडेशन एक्चुअली में रिजल्ट करती है एग्रीकल्चर आउटपुट को, और जो सॉइल हेल्थ है वो एक्चुअली में सस्टेनेबल है फार्मिंग के लिए. जितनी ज्यादा अच्छी और सरफेस जमीन होगी, जितनी ज्यादा अच्छी ग्रेडेशन होगी उसकी, वो उतना ज्यादा अच्छी क्रॉप या जो फील्ड क्रॉप जो है वो यील्ड करेगी. लेकिन बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ओवर यूजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, जो सॉइल क्वालिटी है, सॉइल फर्टिलिटी है वो काफी ज्यादा लो हो गई है, उसकी वजह से एग्रीकल्चर आउटपुट भी बहुत ज्यादा कम आता है. पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ पाकिस्तान के अंदर इंक्रीज कर रही है फूड डिमांड को. पॉपुलेशन ज्यादा है तो उनकी फूड डिमांड को पूरा करना जरूरी है, और ये चीजें एक्चुअली में प्रेशर पुट कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर. और इससे क्या है कि जो सप्लाई है वो कई दफा एक्सीड हो जाती है, जिसकी वजह से बाहर से या इम्पोर्ट करनी पड़ जाती है डिफरेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो फूड डिमांड है उसे इम्पोर्ट करना पड़ रहा है. क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, एरेटिक वेदर पैटर्न्स हैं, ड्राफ्ट्स हैं, फ्लड्स हैं, ये तमाम चीजें सीवियरली अफेक्ट करती हैं क्रॉप प्रोडक्शन को. जो फार्मर्स हैं उन्हें सर्टेनिटीज का शिकार रहना पड़ता है, चैलेंज करती है ज्यादा प्लान्स को, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंड अप कर रही है, बहुत ज्यादा जो है वो डिक्लाइन की तरफ लेकर जा रहा है क्लाइमेट चेंज. इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स की बात करें, जो इकोनॉमिक रुकावटें आ रही हैं, जो कॉन्स्ट्रेंट्स आ रहे हैं, लिमिटेड एक्सेस क्रेडिट और फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ,
फार्मर्स को रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं कि उनकी एबिलिटी कि वो किस तरीके से बेटर तौर पर इन्वेस्ट कर सके टेक्नोलॉजी के ऊपर, डिफरेंट प्रैक्टिसेस के ऊपर, और इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एडिशनली एक्चुअली में हैम्पर कर देता है एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। इन कंक्लूजन, जो डिक्लाइन है पाकिस्तान के एग्रीकल्चर का, काफी सारे उसके रीजन है, वाटर मैनेजमेंट इश्यूज हैं, आउटडेटेड प्रैक्टिसेस, लैंड डिग्रेडेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट, एंड दिस ऑल एक्चुअली लीड टू द चैलेंजेस ऑफ which actually are crucial for revitalizing the sector and ensuring food security. Okay, the question number 4 we have is hindrances to industrial development in Pakistan. जो industrial development है, जो सनअती तरक्की है, उसके रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं, जो hindrances आ रहे हैं, वो क्या क्या हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन असेंशियल है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इसी बिना पाकिस्तान के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा एक इन्फ्लुएंशियल जो है वो सोर्स ऑफ इनकम है पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब पाकिस्तान को काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है जो इसकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में रुकावट पैदा कर रहे हैं या उसको तनाजुली का शिकार कर रहे हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनर्जी क्राइसिस। पाकिस्तान के जो एनर्जी क्राइसिस है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ठीक है जी, बहुत ज्यादा एक सिग्निफिकेंट शॉर्टेज फेस कर रहा है पाकिस्तान एनर्जी का। इससे क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंट पावर आउटेजेस हो रहे हैं, जो रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ना होने की वजह से जो इंडस्ट्रीज हैं वो प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पा रही हैं। उस वहां पर जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, वो दोनों चीजें अब काफी ज्यादा कम हो रही है। एनर्जी क्राइसिस बहुत ज्यादा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडस्ट्री की उसको लो कर रहा है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पोर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें रोड है, रेलवे और पोर्ट्स वगैरह है, लिमिट्स द एफिशिएंसी ऑफ सप्लाई चेन को कम करते हैं कि प्रॉपरली ऑन टाइम किस तरीके से डिलीवर हो पाए जो सप्लाई है उसको, किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जा सके फ्रॉम रीजन टू रीजन या किसी और कंट्री में, तो ये चीज भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। अब ये इनएडुकेसी इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड डिलेज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, डिलेज बढ़ जाते हैं, ऑर्डर जो है वो डिले डिलीवर हो रहे हैं, तो ये तमाम चीजें इंडस्ट्री को कम्प्लीटली जो है वो एक बैक स्टेप लेकर जा रही है, और इंडस्ट्री को जो आपस में एक कंपटीशन है दूसरे कंट्रीज के साथ या दूसरे रीजन के साथ, उस चीज को बहुत ज्यादा लो कर देती है। और ये नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इज एक्चुअली सेकेंड कॉज ऑफ हिंड्रेंस टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। थर्ड वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से क्या होता है कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट कम होगा, गवर्नेंस का इंटरेस्ट कम होगा, तो ऑब्वियसली वो सेक्टर डाउनफॉल का शिकार हो जाएगा। जो फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में, ये कुछ अनसर्टेन बिजनेस की तरफ लेकर जाए जाते हैं एनवायरमेंट को। जो इनस्टेबिलिटी है वो डिस्करेज कर देती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, यहाँ पे इस रीजन में स्टेबिलिटी ही नहीं है, यहाँ पे आपस में ही इतने जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो डिस्करेज होती है, और जो लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल प्लानिंग है उसको ये हेल्प करता है। रेगुलेटरी बर्डन की अगर हम बात करें, जो कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है एंटरप्रीनियर्स को डेटर करता है, मोस्टली जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, करप्शन है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, ये प्रोसीजर्स को जो है वो जो कॉस्ट डूइंग बिजनेस है उनके प्रोसीजर को बहुत ज्यादा कम कर देती है, और ये जो लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको एक तरह से स्टॉप कर देती है कि वो इस इंडस्ट्री के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएं। लिमिटेड एक्सेस टू कैपिटल को अगर हम देखें तो बहुत से स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस जो है उनकी स्ट्रगल है फाइनेंसिस को एक्सेस करने के लिए, लेकिन जो स्ट्रिंजेंट लेंडिंग क्राइटेरिया है बैंक्स की तरफ से, जो लोन्स वगैरह का, ये तमाम चीजें जो है एक्चुअली में इस चीज को रोक देती है कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें, और ये लिमिटेशंस जो है, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये उनकी जो एबिलिटी है इन्वेस्ट करने की टेक्नोलॉजी के ऊपर, एक्सपेंशन के ऊपर, इस चीज को कम कर देती है। स्किल गैप, वर्क प्लेस में जो एडुकेट स्किल मॉडर्न इंडस्ट्रीज है वो अफेक्ट करती है प्रोडक्टिविटी को। जो फोकस होना चाहिए एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा असेंशियल है वर्कर्स को इक्विप करने के लिए, नेसेसरी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए, तो ये स्किल गैप जो है ये भी इसकी हिंड्रेंस की एक वजह है इंडस्ट्रियल सेक्टर के पाकिस्तान में, ठीक है जी। तो जो हिंडर्स है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पाकिस्तान में, डिफरेंट ये जो अभी डिस्कस किए हमने, तमाम क्राइसिस इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, और इन तमाम इश्यूज को एड्रेस करने से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो काफी हद तक रोबस्ट हो सकता है और फोस्टर की जा सकती है डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव एवोल्यूशन ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन पाकिस्तान। डेमोक्रेटिक सिस्टम की एवोल्यूशन हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। जो डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में काफी ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से जो सिस्टम है उसकी सॉलिड रूट्स काफी आगे पीछे होते रहे। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की फाउंडेशन हुई 1947 में, ठीक है जी। अब ये एरा ऐसा था जो कि एक मार्क के तौर पर हम ले सकते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी,
फ्रीक्वेंट चेंजेस आए गवर्नमेंट के अंदर जो अर्ली ईयर्स हैं उसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेंसस का शिकार रही गवर्नमेंट गवर्नेंस, और जो फर्स्ट मिलिट्री कोप है वो 1958 में यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, मीन्स मार्शल ला लगा। मिलिट्री इंटरवेंशन की अगर बात करें तो मिलिट्री ने काफी ज्यादा एक डोमिनेंट रोल प्ले किया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, डायरेक्टली रूल किया कंट्री को काफी सिग्निफिकेंट पीरियड्स में। ज़ियाल हक का दौर था या जनरल खान का दौर था, परवेज मुशर्रफ का दौर था, तो मिलिट्री इंटरवेंशन जो है वो काफी ज्यादा रही पाकिस्तान के ऊपर। तो ये इंटरफेरेंस ने जो एक्चुअली जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और जो कल्चरल ऑथोराइटाइजेशन है वो बहुत ज्यादा क्रिएट की और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया। वीक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात की जाए, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंटरनल डेमोक्रेसी उनके अंदर बहुत कम मौजूद है, जिसकी वजह से क्या है जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ ज्यादा जाना पड़ा कंट्री को। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स मीन जस्ट एक फैमिली या जस्ट एक ऐसी फैमिली रही कि बस उन्हीं के कुछ रिलेटिव्स आते रहे या कुछ ऐसे पर्सन के उन्हीं के ही जो नॉन या फेवरेट पीपल थे वो भी आके इसी चीज में आगे बढ़ते रहे। इट मीन्स कि एक वो बाकी जो सिविल सोसाइटी है या बाकी जो पब्लिक है जो और लोगों का इंटरेस्ट है वो कम्प्लीटली मार्जिनलाइज हो गए और जस्ट एक मखसूस जो लोग हैं उन्होंने ही तमाम गवर्नेंस को संभाल लिया। तो ये चीज होती है एक्चुअली में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, और पाकिस्तान को ये बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को। और ये वीकनेसेस जो है वो एक्चुअली में अकाउंटेबिलिटी को किसी भी कंट्री को अंडरमाइन करते हैं, उसकी जो डेवलपमेंट होती है उसका डेमोक्रेटिक कल्चर होता है उसको बहुत ज्यादा रोबस्ट कर लेते हैं। जुडिशियल इंडिपेंडेंस की हम बात करें तो जुडिशरी जो है वो एक्चुअली में पॉलिटिसाइज रही यहाँ पे काफी ज्यादा पाकिस्तान में। इसकी जो एबिलिटी है कि एज ए चेक एग्जीक्यूटिव पावर के तौर पर उस पावर को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया कि जुडिशियल सिस्टम ने एक चेक एंड बैलेंस रखना है वो जुडिशियरी जो प्रॉपरली नहीं कर पाई, और उसके जुडिशियरी की जो इंडिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इंस्टेंसेस हैं जुडिशियल ओवररीच के और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ये कंट्रीब्यूट करते हैं एक इल्यूजन ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की तरफ। सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस की हम बात करें, जो हाई लेवल्स पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, सोशल इनइक्वालिटी है, ये डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को हैंडल करती है। बहुत सारे सिटीजन जो वो डिस्कनेक्टेड फील करते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस की वजह से, जो वोटर टर्नआउट है और एंगेजमेंट है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड रह जाती है। इथनिक और सेक्टेरियन डिवाइड्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के जो इथनिक और सेक्टेरियन लैंडस्केप्स हैं बहुत ज्यादा डिवीजन है, बहुत ज्यादा टेंशन का शिकार है, कुछ रीजन जो मार्जिनलाइज हुए हैं, तो ये चीज भी जो है वो एक्चुअली में अब अक्सर मैनिफेस्ट कर देती है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को, और ये डिवाइड जो है वो कॉम्प्लिकेट करते हैं डेवलपमेंट को, एक नेशनल आइडेंटिटी को और डेमोक्रेसी को मोस्ट इंपॉर्टेंटली। इन कंक्लूजन, जो एवोल्यूशन है डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर एक डायलेमा रहा है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की वजह से, मिलिट्री इंटरवेंशन की वजह से, वीक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की वजह से, जुडिशियल इश्यूज की वजह से, सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस, एथनिक डिवाइड्स की वजह से। अब इन तमाम एरियाज को स्ट्रेंथन अप करना जो बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर कंसोलिडेटिंग डेमोक्रेसी इन द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 6, वी हैव यूएस लेड कोएलिशन इन द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, इंपैक्ट्स ऑन पाकिस्तान। जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है यूएस की, ठीक है जी, उसके पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट है वो हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस करने हैं। पाकिस्तान का जो अलायंस रहा यूएस के साथ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, वॉर ऑन टेरर के ऊपर आफ्टर 9/11/2000, तो ये तमाम चीज जो है उसने किस तरीके से पाकिस्तान को कैसे इम्पैक्ट किया ये हमने यहाँ पर देखना है। जी, जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है इसका सिग्निफिकेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म रेप्यूटेशन रहे। फर्स्ट वी हैव शॉर्ट टर्म मिलिट्री एड, किस तरीके से जो इमीडिएट आफ्टरमैथ थी जो पाकिस्तान ने कोलिशन को ज्वाइन किया वॉर ऑन टेरर पे, पाकिस्तान ने यूएस के साथ, पाकिस्तान ने यूएस के साथ जो ज्वाइनिंग थी अपनी वॉर ऑन टेरर के अगेंस्ट, तो इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान को जो है वो मिलिट्री और इकोनॉमिक एड मिली। अब ये असिस्टेंस जो है वो क्रूशियल थी कंट्री के मिलिट्री ऑपरेशन के लिए, मिलिटेंट ग्रुप्स के अगेंस्ट, बट ऑफन के विद स्ट्रिंगेंट कंडीशन, लेकिन अक्सर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशन के साथ पाकिस्तान को रिसीव हुई। इंक्रीज मिलिटेंसी की अगर हम बात करें, The alliance lead to heightened militant activities within Pakistan as various extremist groups retaliated against the state's collaboration with US. This increased violence resulted in a significant loss of life and security challenges. Pakistan ko chahiye isme kafi zyada violence ka samna karna pada. Ye tamam jo operation hue Pakistan में जो मिलिटेंट एक्टिविटीज हुई, जो काफी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे, स्टेट कोलैबोरेशन के पाकिस्तान का जो कोलैबोरेशन है यूएस के साथ, इसके जो एक नतीजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज वायलेंस हुआ, काफी ज्यादा मिलिटेंट एक्टिविटीज रही, टेररिस्ट अटैक्स हुए और सिक्योरिटी चैलेंजेस का पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस यूएस लेड कोऑपरेशन विद पाकिस्तान और यूएस का जो ये कोऑपरेशन था इसके नतीजे में वॉर ऑन टेरर में।
सोसाइटल डिविजन्स की अगर हम बात करें, जो पार्टनरशिप रही डिटेंट सोसाइटल डिविजन्स को इसने काफी ज्यादा गहरा किया। जो पब्लिक सेंटीमेंट्स थे वो डिवाइड हो गए यूएस इन्वॉल्वमेंट की वजह से, कुछ इस एग्रीमेंट के साथ और कुछ इसके अगेंस्ट हो गए। काफी ने जो है इस अलायंस को पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है, पाकिस्तान की जो एक अपनी सालमियत है उसके लिए बहुत ज्यादा कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन करार दिया और एक एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट जो है वो डेवलप हुए। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी की बात की जाए तो रिलायंस रहा फॉरेन एड के ऊपर, पाकिस्तान का एक डिपेंडेंसी रही, तो इसने पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है जो उसको बहुत ज्यादा अंडरमाइन कर दिया और ये रिलायंस जो है वो एक्चुअली में एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट को इसने बहुत ज्यादा रिलायंस को हिंडर कर दिया और इसको बैक स्टेप कर दिया। जो पॉलिटिकल आइसोलेशन की अगर बात करें, जो अलाइनिंग थी ये पाकिस्तान की यूएस के साथ, ठीक है जी, इसने पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स को जो बाकी डिफरेंट रीजनल पावर्स थी, यूएसए था सॉरी रशिया चाइना, इनके साथ इसको बहुत ज्यादा पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो तनाव का शिकार हुए, क्योंकि इसमें जो जियो पॉलिटिकल आइसोलेशन थी उसने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा लिमिटेड कर दिया। इसकी डिप्लोमेटिक जो मेन अवेलेबिलिटी थी रीजन के अंदर, ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा पाकिस्तान की जो जियो पोलिटिकल ऑसोलेशन की तरफ से लीड किया पाकिस्तान को। पाकिस्तान एक तरह से तनहा जो है वो यूएस के साथ खड़ा हुआ था। लॉन्ग टर्म काउंटर टेररिज्म चैलेंजेस की अगर बात की जाए तो बॉर्डर अगेंस्ट टेररिज्म था, उसने अपनी एक लेगेसी छोड़ी। जो ऑनगोइंग सिक्योरिटी चैलेंजेस अभी तक चल रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिलेशनशिप चल रहा है, जो स्ट्रेन एक पैदा हो रहा है, ये तमाम चीजें जो एक्चुअली में उसी लेगेसी का इफेक्ट है। जो एक लॉन्ग टर्म काउंटर टेररिज्म चैलेंजेस हैं वो ही लीगेसी है जो अब आगे चल रही है। अगर इसके सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को देखा जाए तो इसमें सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स और इन तमाम एक्सट्रीमिज्म वगैरह को फिल अप करने के लिए जो वो एक रोल प्ले कर रहे हैं। कंक्लूजन में अगर हम देखें तो जो यूएस लेड कॉलिशन था पाकिस्तान और यूएस का, इसने जो इमीडिएट मिलिट्री सपोर्ट तो पाकिस्तान को मिली, लॉन्ग टर्म चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इन इश्यूज को जो एड्रेस करने के लिए एक बैलेंसिंग सिचुएशन जो वो रिक्वायर्ड है, क्योंकि एक पाकिस्तान के लिए भी उस वक्त एक मैंडेटरी सिचुएशन थी। अगर वो उससे इनकार करता तो वो खुद ऐसे कंट्रीज में शामिल हो जाता जो एक्चुअली में टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, और ना करने की सूरत में पाकिस्तान देंगे अंडर डेवलप कंट्री इतनी ज्यादा उसके मौजूद नहीं थी, और पाकिस्तान एक्चुअली में एक्यूज किया जा रहा था फॉर स्प्रेडिंग ऑल दिस वॉर और फॉर ऑल दिस टेररिज्म। तो काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना पाकिस्तान के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी था, इन चीजों ने नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा डाला है, कुछ समहाउ पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। तो ये तमाम चीजें हमने यहाँ पर जो यूएस पाकिस्तान रिलेशन से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस करनी है। एंड क्वेश्चन नंबर 7, वी हैव जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या रही? अब जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस किस तरीके से, जियोग्राफिकली पाकिस्तान बाकी कंट्रीज के साथ किस तरीके से अटैच हो रहा है, और ये चीज इसको और इसमें किस तरह के चैलेंजेस का या पॉजिटिव जो इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आ रहे हैं। पाकिस्तान की लोकेशन को अगर देखा जाए तो इसकी जो क्रॉस रोड्स हैं साथ में साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, ये तमाम जो है अब क्या करते हैं, इसको एक सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इन तमाम के साथ साउथ सेंट्रल और मिडिल ईस्ट के साथ जो है वो लिंक करता है। और इसके साथ जो चैलेंजेस जो पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं उसमें जियो पॉलिटिकल पोजिशन है, पाकिस्तान बॉर्डर शेयर कर रहा है इंडिया के साथ, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, अब इसको क्या हो रहा है, इसकी वजह से एक रीजनल डायनेमिक्स में इसका एक की रोल की प्लेयर के तौर पे आ रहा है कि इसका इन तमाम कंट्रीज के साथ एक जो है वो अपना बॉर्डर शो करता है पाकिस्तान। अब इससे क्या है कि जो क्रिटिकल ट्रेड रूट्स हैं, एनर्जी सप्लाईज वगैरह, ये चीजें इसकी जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है उसको भी एनहांस कर देती है। तो जियो पोलिटिकल पोजिशन पाकिस्तान की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ इट्स शेयरिंग विद ऑल दिस कंट्रीज। एक्सेस टू अरेबियन सी, अरेबियन सी के साथ जो पाकिस्तान की एक्सेस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट कोस्ट लाइन प्रोवाइड कर रहा है अरेबियन सी पाकिस्तान को। अब ये चीज क्या है कि फैसिलिटेट करती है ट्रेड रूट को भी, एनर्जी ट्रांजिट को भी, जो ग्वादर पोर्ट की डेवलपमेंट है ये एनहेंस कर रही है मैरिटाइम कनेक्टिविटी को और साथ साथ इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स को भी। रीजनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो पाकिस्तान प्लेस एक्चुअली क्रूशियल रोल इन रीजनल सिक्योरिटी डायनेमिक्स, पर्टिकुलरली कंसर्निंग अफगानिस्तान। जो रीजनल सिक्योरिटी डायनेमिक्स है वहां पे पाकिस्तान का एक क्रूशियल रोल है, स्पेशली अफगानिस्तान के साथ अगर देखा जाए इसकी जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज्यादा असेंशियल है रीजन के अंदर स्टेबिलाइजेशन और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एड्रेस करने के लिए और इन तमाम चीजों को मैनेज करने के लिए, के जो इन्वॉल्वमेंट है काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज के लिए वो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक कॉरिडोर की अगर बात करें, जो इनिशिएटिव है सीपैक का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें पाकिस्तान की जो पोजीशन है ट्रांसिट हब के तौर पर है,
क्योंकि ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये तमाम चीजें जो पोटेंशियली पाकिस्तान की ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो है वो पोटेंशियली बूस्ट अप कर रहा है ये इकोनॉमिक कॉरिडोर। चैलेंजेस ऑफ एक्सट्रीमिज्म की अगर बात करें जो जी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी इसमें पाकिस्तान को फेस करने पड़े हैं जिसमें एक्सट्रीमिज्म और सेक्टेरियनिज्म है। ठीक है, ये इश्यूज एक्चुअली में जो स्टेबिलिटी है जो अफेक्टिव फॉरेन रिलेशंस है उनको अफेक्ट करते हैं। फॉरेन रिलेशंस की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का जो अलायंस है डिफरेंट पार्ट्स के साथ जिसमें यूएस है चाइना है ये तमाम चीजें इसकी फॉरेन पॉलिसी को शेपअप करती हैं और ये बैलेंस इन चीजों का जो रिलेशनशिप्स का है बाय एड्रेसिंग डोमेस्टिक चैलेंज क्रिटिकल पॉलिसी जियो पॉलिटिकल स्टैंडिंग इन तमाम रिलेशनशिप्स को एड्रेस करना है इनको प्रॉपरली मैनेज करना है डोमेस्टिक चैलेंजेस को तो ये एक क्रिटिकल है पाकिस्तान को अपनी जियो पॉलिटिकल स्टैंडिंग को मेंटेन रखने के लिए। अगर हम समरी की तरफ जाएं तो पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है ये एक्चुअली में इसका इसके स्टैम्प्स जो है अगर इंपॉर्टेंट जो इसकी रूट्स हम कहें तो उसकी जियो पॉलिटिकल पोजिशन है इसकी जो ट्रेड रूट्स की तरफ एक्सेस है इसका जो रीजनल सिक्योरिटी के में रोल है इकोनॉमिक पोटेंशियल कॉरिडोर्स के थ्रू जो रोल है जो चैलेंजेस इसमें साथ फेस करने हैं पाकिस्तान को ये तमाम फैक्टर्स को अगर नेविगेट करें तो ये पाकिस्तान की स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा असेंशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान विद यूथ बल्ज। अब यहाँ पे पाकिस्तान अपनी जो उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है पाकिस्तान की अपने यूथ बल्ज के साथ किस तरीके से इसलिए डेवलपमेंट यहाँ पे हमने डिस्कशन करी पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेते हुए विद यूथ बल्ज के साथ। अब पाकिस्तान जो है इसमें फिफ्थ लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है। ठीक है जी, पाकिस्तान में जो यंग जनरेशन है जो यूथ है वो बहुत ज्यादा है, फिफ्थ लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन ग्लोबली इसमें इंक्लूड हो जाता है। अब इसकी जो डेमोग्राफिक डिवाइड एंड क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस यूथ को एक प्रॉपर तरीके से डिवाइड करना और इसे किस तरीके से यूज करना है ये इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज हो सकती है। सबसे पहले एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट है तो जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग्स के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है और ये बहुत ज्यादा असेंशियल है इन ट्रेनिंग्स को ऑर्गेनाइज कराना ताकि जो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट है यूथ के लिए वो एक स्टेप अप जा सके। अगर एजुकेशनल करिकुला की बात की जाए विद मार्केट डिमांड्स के साथ इसे अगर अलाइन अप कर दिया जाए तो ये यूथ को इक्विप कर सकती है नेसेसरी स्किल्स को गेन करने के लिए और इमर्जिंग इंडस्ट्रीज का एक बेटर रोल प्ले करने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करना, मॉनिटरशिप प्रोग्राम्स हो गए, इंक्यूबेशन सेंटर्स हो गए जिस यहाँ पे जो यंग इंडिविजुअल्स हैं उनके अपने ऑन बिजनेस उनके जो अपने बिजनेस हैं वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप अगर करना चाह रहे हैं उनको किस तरीके से जो है फोस्टर करना है उनके इनोवेशन को उनकी जॉब क्रिएशन किस तरीके से करनी है इसके ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो ये बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट जो है वो प्रोग्रेस होगी कंट्री के लिए। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की अगर बात करें तो एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी एंड कैन एनहेंस प्रोडक्टिविटी अक्रॉस सेक्टर्स प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी कैन एनेबल यूथ टू एंगेज इन द डिजिटल इकोनॉमी इंक्लूडिंग ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन फ्रीलांसिंग। ये तमाम टेक्निकल जो इनोवेशन है टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन है इसमें यूथ को एंगेज करना जो है कंट्री की प्रोडक्टिविटी के लिए तमाम सेक्टर्स के अंदर ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ये डिजिटल लिटरेसी एक्सेस टू टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली वेरी क्रूशियल फॉर अवर कंट्री और यहाँ पे यूथ को एंगेज करना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो हो सकता है अगर ई कॉमर्स ऑनलाइन फ्रीलांसर वगैरह के जरिए यूथ को इसमें एंगेज किया जाए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें यहाँ पर एंगेजिंग यूथ इन मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में अगर यूथ को इन्वॉल्व किया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवाइटलाइज करने के लिए तो ये भी बहुत अच्छा स्टेप होगा। ऐसे प्रोग्राम्स क्रिएट किए जाए जिसमें जो सस्टेनेबल फार्मिंग टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से प्रोडक्टिविटी और फूड सिक्योरिटी इन्हांस हो सकती है ऐसे प्रोग्राम्स पे फोकस करना बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है और बहुत ज्यादा एक अच्छा स्टेप होगा अगर इसके ऊपर कुछ वर्किंग की जा सके। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो कोलैबोरेशन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए जहां पे फोकस किया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर इंडस्ट्री ग्रोथ के ऊपर ये भी यूथ वर्कफोर्स को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है और एम्प्लॉयमेंट के मौके भी इनके लिए ओपन कर सकता है। नेक्स्ट सिविक एंगेजमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे सिविक एंगेजमेंट एंड लीडरशिप तो कल्चर ऑफ सिविक एंगेजमेंट कैन एम्पावर यूथ टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये वाला प्रोसेस इससे क्या होगा कि यूथ एम्पावर होंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर उनको इंकरेज किया जा सकेगा वो किस तरीके से लीडरशिप और डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर सके और
इस तरह के प्रोग्राम है बच्चों में, उनकी जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूथ को एक रिस्पॉन्सिबल होने का एक एहसास होगा, बिकॉज बीइंग रिस्पॉन्सिबल इज एक्चुअली जो है उनका एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को एनहेंस कर सकती है, चीज उनके कम्युनिटी एनवायरमेंट को इंक्रीज कर सकती है, तो ये कंट्री के बेनिफिट में बहुत ज्यादा ये चीज फॉलो करेगी। इन कंक्लूजन बात करें तो पाकिस्तान की जो यूथ है उसे लेवरेज करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, ये एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच है जहाँ पे फोकस करना होगा एजुकेशन के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और सिविल एंगेजमेंट, कि इन तमाम चीजों के जरिए कि जिसमें यूथ पाकिस्तान की जो है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ दिस 21st century, वो इन तमाम चीजों को इन्वेस्ट करके, अपने एक यूथ के ऊपर इन्वेस्ट करके जो है वो पाकिस्तान अपना जो एक रास्ता है प्रॉस्पेरस फ्यूचर की तरफ वो बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं, अगर इसके ऊपर पाकिस्तान अपनी इन्वेस्टमेंट करे तो। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच, हाफिज़।